So now we start our session 6. It is the first session of the second week. Last week, in the last session, because of time constraint, we did not cover one particular lesson, and that is this. You might remember that in the session 4, we studied one lesson titled Go. In that, we had sentences like I go, we go, you go, and so on. Similar sentence with eat will be I eat, main khata hun. Okay? We eat, hum log khate hain. Sawal uthate hain, kya khate hain? Aur uska jawab usme dal dete hain. Theek hai? Usko badhate hain sentence ko. You eat fruits. Matlab? Main fruit kha raha hun. Kha raha hun nahi. आप फल खाते हैं. आप फल खाते हैं. यू ईट फ्रूट्स. खाते हैं. ठीक है. यू ईट राइस. मतलब तुम चावल खाते हो. तुम चावल खाते हो या तुम लोग चावल खाते हो. ठीक है. तुम लोग चावल खाते हो. यू ईट राइस. यहाँ पर हिंदी के स्ट्रक्चर और इंग्लिश के स्ट्रक्चर में फर्क है. हिंदुस्तानी भाषाएं बोलने वाले लोगों के लिए ये ख्याल करने की बात है कि इंग्लिश में यू राइस ईट नहीं बोलते हैं. यू ईट राइस. तो इमीडिएटली आफ्टर यू हियर वी पुट द वर्ब. ठीक है. इंग्लिश में काम की बात है पहले कर दी जाती है. काम पहले और उसके साथ किस चीज़ के साथ वो काम हो रहा है वो बाद में. ठीक है. यू ईट फ्रूट्स. यू ईट राइस. ईट के बाद आएगा जो खाया जा रहा है. ठीक है. यस आकृति रीड दिस लाइन. मिस्टर ब्राउन ईट्स ब्रेड एंड बटर. मतलब मिस्टर ब्राउन ब्रेड और बटर खाते हैं. ब्रेड और बटर खाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट लाइन. ही ईट्स अ लॉट. वो बहुत खाता है. वो बहुत सारा खाते हैं. वो खूब खाते हैं. ठीक है. ए लॉट. ही ईट्स लॉट नहीं. ही ईट्स ए लॉट. ठीक है. ओके मोहिता नेक्स्ट लाइन. मिस ब्राउन ईट्स फिश एंड चिप्स. मतलब मिस ब्राउन फिश और चिप्स खाती है. फिश और चिप्स खाती है. यू माइट नो दैट दैट इज ए फेवरेट डिश अमंग इंग्लिश पीपल. फिश एंड चिप्स. ठीक है. ईट्स के बाद आया क्या खाया जाता है. ठीक है. फिश एंड चिप्स. नेक्स्ट सेंटेंस. शी ईट्स अ लिटिल. वो बहुत कम खाती है. वो बहुत कम खाती है. वो थोड़ा सा खाती है. ठीक है. ए लिटिल नॉट लिटिल. शी ईट्स लिटिल का मतलब होगा वो नहीं खाती है. ओके. शी ईट्स लिटिल का मतलब होता है नहीं खाती है या नहीं के बराबर खाती है. ए लिटिल मतलब होता है थोड़ा सा खाती है. ठीक है. आई हैव ए फ्यू क्वेश्चंस. मतलब मेरे पास कुछ सवाल हैं. आई हैव फ्यू क्वेश्चंस मतलब मेरे पास कोई सवाल नहीं है. ठीक है. द कैट ईट्स फिश. मतलब दिव्यांश बिल्ली फिश खाती है. मछली खाती है. बिल्ली मछली खाती है. ठीक है. ईट्स. मिस्टर ब्राउन अकेला ईट्स. ही अकेला ईट्स. मिस ब्राउन अकेली ईट्स. शी वह अकेली ईट्स. द कैट एक ही है. बिल्ली अकेला अकेली बिल्ली ईट्स. बहुत सारे लोग ईट. दीज बॉयज ईट बिस्किट्स. अक्षय ये लड़के बिस्किट खाते हैं. ओके. नेक्स्ट दे ईट चॉकलेट. वे चॉकलेट खाते हैं. टाइगर्स ईट मीट. टाइगर मीट खाता है. बाघ मीट खाते हैं. मांस खाते हैं. खाते हैं. ठीक है. खाता है नहीं खाते हैं क्योंकि टाइगर्स है ईट है. और अगर एक बाघ होता तो क्या बोलते हैं. और यहाँ पर क्या बोलते हैं. टाइगर. केवल टाइगर. अ टाइगर. अ टाइगर. अ टाइगर या द टाइगर. अगर टाइगर परिचित है तो द टाइगर. और अगर अपरिचित टाइगर की बात कर रहे हैं तो ए टाइगर. ठीक है. ओके. रूल इज दिस. मेनी ईट. वन ईट्स. एक्सेप्शन है केवल दो बंदे के लिए. आई के लिए और यू के लिए. ओके. ये दो अकेले लोग जो हैं
अकेले अकेले में ही जो है प्लूरल वाला वर्ब लेते हैं, ठीक है? ओके सर, आई हैव वन क्वेश्चन. आई हैव सीन फ्यू अ फ्यू पीपल दे यूज शी ईट फोर मैंगोस. दैट इज रॉन्ग. या शी ईट फोर मैंगोस. सम पीपल थिंक दैट सिंस मैंगोस आर सो मेनी देन इट शुड बी ईट. नो, दैट इज नॉट द वे टू डू. द वर्ब एग्रीज विथ द सब्जेक्ट. खाने वाले के साथ बंदोबस्त होगा कि ये किस फॉर्म में आएगा, ठीक है? क्या खाया जा रहा है उसे कोई मतलब नहीं है. शी ईट्स ए मैंगो, शी ईट्स फोर मैंगोज. ओके, यस, ही इज वेरी राइट दैट सम पीपल डू दैट एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर टू करेक्ट इट. वी कम डाउन एंड नाउ टॉक अबाउट थिंग्स विच हैव हैपेंड इन द पास्ट एंड देन थिंग्स विच विल हैपन इन द फ्यूचर. ओके आकृति, आई एट टू बनानास. मैंने दो बनाना खाए. मैंने दो केले खाए. ओके, मैंने दो केले खाए. वी एट ब्रेड. हमने एक ब्रेड खाया. एक नहीं है, हमने ब्रेड खाया, ठीक है? आधा भी खाया हो सकता है, चार पीस खाया हो सकता है, हमने ब्रेड खाया, ठीक है? ओके शशांक, नेक्स्ट लाइन. यू एट ओनली नट्स. वो सिर्फ वो नहीं, तुम सिर्फ अखरोट खाते हो. नॉट नेसेसरली अखरोट. ये नट्स को हिंदी में बोलना बड़ा मुश्किल है. बादाम, काजू बादाम. काजू बादाम अखरोट सारे नट्स हैं, ठीक है? तुमने केवल मेवे खाए. नट्स इज मेवा. ओके नेक्स्ट. यू एट फ्रेश फूड. तुम ताजा खाना खाते हो. तुमने ताजा खाना खाया था. एट खाया था. ओके ओके कार्तिक, नेक्स्ट. ही एट अ टेस्टी डिश. मतलब उसने एक स्वादिष्ट खाना खाया. स्वादिष्ट खाना खाया, ठीक. ओके, ए डिश. डिश नाउन है. इंग्लिश में एक विचित्र नियम है कि नाउन अगर सिंगुलर है तो उसके पहले आर्टिकल लगना चाहिए. नॉर्मली लगता है, बहुत रेयरली होता है कि नहीं लगता है, ठीक है? तो डिश के पहले लगेगा. जैसे इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था कि आर्टिकल लगेगा सिंगुलर नाउन के पहले, ठीक है? अब यहाँ पर सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल लगेगा, बीच में अगर एडजेक्टिव आता है तब भी लगेगा. ओके नेक्स्ट, दिस वन. शी एट एन एप्पल. उसने एक सेब खाया. उसने एक सेब खाया. ओके मोहिता, नेक्स्ट. द कैट एट अ पीस ऑफ फिश ओनली. मतलब उस बिल्ली ने बस एक टुकड़ा मछली का एक टुकड़ा खाया. मछली का एक टुकड़ा खाया बिल्ली ने, ठीक है? उसके बाद इट एट अ लिटिल राइस. वो उसने थोड़ा सा थोड़ा सा चावल खाया. ओके नेक्स्ट, यू कम हियर. आकृति, द स्टूडेंट्स एट ब्रेड एंड जैम. उन छात्रों ने ब्रेड और जैम खाया. उन छात्रों ने बोलने की जरूरत नहीं है. विद्यार्थियों ने ब्रेड और जैम खाया. आगे, दे एट टू केक. उन्होंने दो केक खाए. गुड. हम लोग देख रहे हैं कि प्रेजेंट में जैसे ईट और ईट्स दो फॉर्म होता है, पास्ट में ऐसा कोई झमेला नहीं है. एट सबके साथ, ठीक है? अकेला हो या ज़्यादा लोग हो. ओके, फ्यूचर में भी कोई नई बात नहीं है, बस वर्ब के पहले विल लगेगा, ठीक है? आई विल ईट गुड फूड. मतलब मैंने अच्छा खाना खाया. आई विल ईट, मैं अच्छा खाना खाऊंगा. वी विल ईट ओनली राइस. हम लोग केवल चावल खाएंगे. यू विल ईट ए फुल मील. तुम पूरा मीट खाओगे. मीट नहीं, मील है. मील है. ओके, तुम पूरा खाना खाओगे. तुम बोलोगे वी विल ईट ओनली राइस, हम लोग केवल चावल खाएंगे, तो तुमको बताया जाएगा कि नहीं, पूरा खाना खाओगे. जो जो दिया जाएगा सब खाओगे. ओके, और अंत में क्या खाओगे? यू विल ईट आइसक्रीम, ठीक है? फाइनली, ही विल ईट नथिंग. मतलब कुछ नहीं खाया. वो कुछ नहीं खाएगा.
अंत में क्या है आकृति? Dogs will eat what is left. कुत्ते जो बचा होगा वो खाएंगे. बिल्कुल सही, वैसे ही होता है, राइट? सो हम लोगों ने इसमें देखा कि प्रेजेंट में जो है ज्यादा लोगों के साथ ईट, नहीं तो अकेले मैं के साथ, अकेले यू के साथ ईट, और बाकी सबके साथ ईट. जैसे गो के साथ देखा था वैसे ईट के साथ, ये नियम हमेशा चलेगा. यस, the cat ate a piece of fish only. It ate a little rice. That the eat refers to the cat. Correct. I mean, it's a pronoun. Yes. So I mean, if we know the gender of the cat or dog or tigers, then that still we have to use eat, or we can use he or she sometimes. Sometimes we use she. If we are close to the cat, then we quite often use she. Okay. And for large animals, tiger, lion. Typically, we don't use he, it. We quite often use he and she. Yes. But for mice or ants, we normally use it. For small animals, we typically use it. For table, chair, pen, it's always it. But for living animals, for large ones, quite often you use he and she, as the case may be. And sometimes for close animals, pet animals, you use he or she. You know. And for in general, you can use it also. Now we come to the actual subject matter of today's this session. We have seen a large number of word families already, and we have seen the sound patterns of A, E, I, O, U. And till now, we have actually studied only those words which are small. Even this word I call small, even though there are seven letters. But only one vowel is there, and only one vowel sound is there. So in that context, this also I classify as small word. Okay. Technically, you say it is a single syllable word. Okay. There is a single syllable in the word. Now in a larger word, you cannot put a larger word in this kind of families. Okay. Constitution. So in constitution, you have so many vowels coming and showing the behavior of their individual families, but the rules are the same which we have seen earlier. So let us see a small set of mixed words. So the first part goes like cat family, the second part goes like box family. If you know how to pronounce the vowel sounds correctly, then large words also will not be a problem. You will fit each part of the word in one of the word families that you already know, the sounds which you have already learned. Okay, Mohita, first line. Absorb, acquit, actor, anchor, bandit, basket. Basket. Okay, Divyansh, next line. Bombard, brother, carpet, classmate, compass. Good. Akshat. Conquest, consist. Conquest. Conquest, consist, convert, convict, distance, doctor. Next. Empire, exact, exchange, express, extra, extract. Good. Next, Shashank. Factor, gossip, hamper, harness, hinder, impact, impress, income, indent, inland, input, insane. Good. Akriti. Invent, inverse, Iceland, justice. Island. Island. Justice, lantern, market. That S is silent. Okay? Island. Okay. Continue. Mental, mistake, monthly, mother, mundane, number. Good. Mohita? Olive, ostrich, penchant. Penchant. Penchant, pendant, picture, pocket. Good. Divyansh? Rampart, render, scarlet, sector, sentence, sublime. Good. Akshat? Submit, surprise, tamper, tender, tendon, timber, toxic, umpire, varnish, verdict, victor. Good. So, individual pieces you can pronounce according to its own vowel sound. And then, even if a huge long word comes, it's no problem. Yes. So, what are these mixed words? Why we call them mixed words? They are long words, and in individual words, two families are contributing. For example,
from the Mughal family, Akbar, and from the Rajput family, Jodhabai come, and then they together mix. Okay, so that is a mixed family. Okay, so this is a set of mixed words. So in which individual words can show different sounds because of different vowel patterns appearing. And what I am trying to tell is that even though our words studied in the word families are typically small words, but that develops the mental picture with the help of which you can handle larger words also, because individual parts of the larger words will follow individual vowel sound patterns. Okay. Now, earlier we have studied two slides on syntax. One is one which we studied go, in which we put the subject and verb. Next, we studied eat, in which after subject verb we put object. And you make note that here we asked he eats, then we asked he eats what, so a lot. You ate, you eat what, fruits. So the answer to that question what comes after eat. In the earlier case, we could not ask that question. We could not ask, you go what? She goes what? That question doesn't make sense. Okay. With go, you cannot ask, tum kya jaate ho? Ye sawal uthta nahi hai. Theek hai? So there are some verbs for which that question does not arise. And in the other case, there are verbs for which that question arises. If the question arises, that need not be answered in the sentence. It can be I eat, that's a full sentence, or it can be answered you eat fruits, I eat bread. Okay, there can be many other questions that may arise, where, when, why, how, and you can go on answering them, and all those answers will come afterwards. Yes, Akriti, first sentence. I play. Matlab? मैं खेलती हूँ. दिस वन वी प्ले, वो सब खेलते हैं. वे लोग हम लोग खेलते हैं. वी प्ले, हम लोग खेलते हैं. अब सवाल उठाते हैं, क्या खेलते हो? यू प्ले फुटबॉल. यू प्ले फुटबॉल मतलब मैं नहीं, तुम फुटबॉल खेलते हो. तुम फुटबॉल खेलते हो. नेक्स्ट शशांक, दिस वन. यू प्ले चेस एट होम. तुम घर पे चेस खेलते हो. तुम घर पे शतरंज खेलते हो. क्या खेलते हो का जवाब भी आ गया, कहाँ खेलते हो का जवाब भी आ गया. क्या का जवाब वर्ब के तुरंत बाद आएगा, बाकी सारे चीजों का जवाब बाद, उसके बाद. वर्ब के साथ क्या का जवाब एकदम तुरंत चिपक के रहेगा. हिंदी में भी वही रहता है. तुम घर पर शतरंज खेलते हो, शतरंज खेलते हो के साथ लगा होता है. तुम शतरंज घर पर खेलते हो बोला जा सकता है, लेकिन वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है. ठीक है, यू प्ले चेस एट होम. क्या का जवाब वर्ब के साथ तुरंत जोड़ के लगाना है, और बाकी सारी चीज़ों का जवाब उसके बाद. ओके, आगे बढ़ते हैं. हाँ कार्तिक, नेक्स्ट लाइन. ही प्लेज इन द फील्ड. उसने मैदान में खेला. वो मैदान में खेलता है. खेलता. ठीक, नेक्स्ट. शी प्लेज टेनिस विद हर फादर. उसने अपने पापा के साथ. उसने नहीं, वह. वह अपने पापा के साथ टेनिस खेल रही है. खेलती है. खेल रही है नहीं. ठीक है, खेलती है, रोज खेलती है. ठीक है. वह अपने पिताजी के साथ टेनिस खेलती है. हिंदी में भी टेनिस जो है खेलती है के साथ तुरंत लगाया गया है. टेनिस खेलती है के बगल बगल है, सबसे नज़दीक है. क्या का जवाब इंग्लिश में भी वही. शी प्लेज टेनिस विथ हर फादर. फर्क इतना ही है कि हिंदी में सारी चीज़ें पहले आ जाती हैं, खेलती है अंत में. शी प्लेज टेनिस विथ हर फादर. वह अपने पिताजी के साथ टेनिस खेलती है. इंग्लिश के स्ट्रक्चर में जहाँ पर ये है 1, 2, 3, 4, हिंदी के स्ट्रक्चर में है 1, 2 यहाँ विथ हर फादर, टेनिस में 3, प्लेज में 4. हम लोग कर रहे थे ना इंटरप्रिटेशन, इसको तरीके से इंटरप्रिटेशन करेंगे तो शी में एक नंबर लगाएंगे हिंदी करके, वह पिताजी के साथ इसमें 2 नंबर लगाएंगे, टेनिस में 3 नंबर लगाएंगे,
और प्लेज में 4 नंबर लगाएंगे, ऐसा अक्सर होता है। इंग्लिश से हिंदी करते वक्त काम करने वाले को 1 नंबर दिया गया, जो इंग्लिश में भी था हिंदी में भी है, और उसके बाद जो है अंत में उस तरफ से 2, 3, 4, 5, 6 करके आते जाएंगे तो अक्सर ठीक होता है। उसी तरह से हिंदी में अगर सेंटेंस है, बच्चा खाना खाने के बाद झूले में खेलता है, उसको हिंदी करेंगे तो वैसे ही बच्चे को 1 देंगे। उसके बाद जो है प्लेस, जो कि हिंदी में खेलता है एकदम अंत में था, उसके बाद इधर आते जाएंगे और बच्चे के पहले तक रुकेंगे क्योंकि बच्चा पहले ही हो चुका है, तब सही बैठेगा। ठीक है, तो ये टिपिकल याद रखने की बात है कि जब हिंदी से इंग्लिश करेंगे या इंग्लिश से हिंदी करेंगे तो काम करने वाले का नाम या जो भी है, नाम हो ना हो, काम करने वाला, और उसके बाद फिर उधर से स्टार्ट करके पीछे की तरफ आते हैं तो अक्सर सही बैठता है। ठीक है, नियम के मुताबिक हिंदी में वर्ब अंत में आता है, इंग्लिश में सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आता है, और वर्ब के साथ चिपका होता है, इस तरह से चिपका होता है हिंदी में क्या का जवाब, इंग्लिश में व्हाट का जवाब, वर्ब के तुरंत बाद, बाकी सारी चीज़ें उसके बाद आगे जोड़ते जाएंगे। ठीक है, और एग्जांपल्स मोहिता, दे प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, वो शाम को क्रिकेट खेलते हैं, वे शाम को क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द गर्ल्स प्ले वेल, लड़कियां बहुत अच्छा खेलती हैं, लड़कियां अच्छा खेलती हैं। नेक्स्ट दिव्यांश, हैरी एंड विकास प्ले टुगेदर, हरी और विकास साथ में खेलते हैं, हरी और विकास एक साथ खेलते हैं। यहाँ भी वही नियम कि मैं के साथ प्ले, तुम के साथ प्ले, तुम लोग के साथ तो आएगा ही, और मैनी के साथ हमेशा प्ले, ज़्यादा लोग होंगे तो प्ले, अकेला होगा तो प्लेज, प्रेजेंट में ये चीज़ दिमाग में रखने की बात है। इसमें बहुत सारे लोग गलत करते हैं, दिस इज़ वन पॉइंट ऑफ लार्जेस्ट नंबर ऑफ मिस्टेक्स इन राइटिंग इंग्लिश, बी केयरफुल अबाउट दिस, इन पास्ट एंड फ्यूचर नॉट मच ऑफ प्रॉब्लम इज देयर। ओके, यस शशांक, आई प्लेड इन द टीम, मैंने टीम की तरफ से खेला, मैंने टीम में खेला था या मैंने टीम की तरफ से खेला था, यस वी प्लेड हॉकी, हमने हॉकी खेला, वेरी गुड। नेक्स्ट कार्तिक, यू प्लेड वेरी वेल, मतलब तुमने अच्छा खेला, तुमने बहुत अच्छा खेला था। नेक्स्ट, यू प्लेड यस्टरडे, मैंने तुमने कल खेला था, तुम लोगों ने या तुमने कल खेला था। अक्षय, नेक्स्ट, सिंधु प्लेड 3 मैचेस, मतलब 3 मैचेस खेले, सिंधु ने 3 मैच खेला था। ठीक है, नेक्स्ट, शी प्लेड वेरी फास्ट, वह बहुत तेज खेली। हाँ, नेक्स्ट, द कब प्लेड इन इट्स डेन, शेर का बच्चा अपने गुफा में खेल रहा था, गुफा में खेला था। ओके, नेक्स्ट दिव्यांश, ऑल द प्लेयर्स प्लेड वेल, सभी खिलाड़ियों ने अच्छा खेला, ब्यूटीफुल। नेक्स्ट, दे प्लेड टिल लेट इवनिंग, उन्होंने देर शाम तक खेला, गुड। मोहिता, आई विल प्ले कार्ड्स, गुड, मैं कार्ड्स खेलूंगी, मैं ताश खेलूंगी। ठीक है, नेक्स्ट, वी विल प्ले आफ्टर डिनर, हम लोग डिनर के बाद खेलेंगे, हम लोग रात के खाने के बाद खेलेंगे। ठीक, कार्ड्स खेल सकती हो रात के खाने के बाद, फुटबॉल नहीं जमेगा। ठीक, ओके, नेक्स्ट आकृति, यू विल प्ले विद अस, तुम हमारे साथ खेलोगे, राइट, यू विल प्ले सून, तुम जल्दी खेलोगे, तुम लोग जल्दी खेलोगे। नेक्स्ट रेशम, ही विल प्ले टुमारो, मतलब मैं कल खेल, वह कल खेलेगा। ठीक है, नेक्स्ट शशांक, सोनाली विल प्ले विथ हिम, सोनाली उनके साथ खेलेगी। नेक्स्ट, द कैट विल प्ले विद द रैट, कैट चूहे के साथ खेलेगा, बिल्ली चूहे के साथ खेलेगी। ठीक है, ओके, कार्तिक, रवि एंड सुन, दे विल प्ले इन द हॉल, वह हॉल में खेल रहे थे, हाँ वे लोग हॉल में खेल रहे थे,
हॉल में खेल रहे थे. हॉल में खेलेंगे या बड़े कमरे में खेलेंगे. ठीक है. नेक्स्ट. रवि एंड सोनाली विल प्ले टुगेदर. रवि और सोनाली साथ साथ खेल रहे थे. साथ में खेलेंगे. गुड. सो पैटर्न हम लोगों ने देख लिया. असाइनमेंट में भी इसी टाइप के हैं. और इसमें जो है हम एक चीज कहते हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ट्रिपलेट. मैं तीन सेंटेंस बोलता हूँ. तुम लोग गाना गाते हो. यू सिंग. तुम लोगों ने गाना गाया था. यू सैंग. तुम लोग गाना गाओगे. यू विल सिंग. ठीक है. ये एक ट्रिपलेट हुआ. ठीक है. दिस इज अ ट्रिपलेट. ओके. प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर. एंड टू लर्न वेल यू नीड टू नो हाउ टू हैंडल ऑल थ्री. ओके. एक और ट्रिपलेट का मैं एक टुकड़ा बताता हूँ. तुम लोग बाकी दो टुकड़े बताओगे. ठीक है. रवि स्कूल में पढ़ाता है. इसका इंग्लिश करो. रवि टीचर्स इन ए स्कूल. रवि टीचर्स इन ए स्कूल. फाइन. इन द स्कूल भी चलेगा. रवि टीचर्स इन ए स्कूल. ये प्रेजेंट है. इसका पास्ट किया जाए. रवि टीच्ड इन ए स्कूल. रवि टॉट इन ए स्कूल. सो फ्यूचर करते हैं. रवि विल टीच इन ए स्कूल. अब मैं एक सेंटेंस सप्लाई करता हूँ ट्रिपलेट का. आई विल गिव फोर लेक्चर्स. मैंने चार लेक्चर दिए. मतलब मैं तुम्हें नहीं. मैं चार लेक्चर दूंगा. ओके. मैं चार लेक्चर दूंगा. आई विल गिव फोर लेक्चर्स. इसका पास्ट बताओ. आप चार लेक्चर दे चुके हैं. मैं चार लेक्चर दे चुका था. आई गिव फोर लेक्चर्स. ठीक है. प्रेजेंट बताओ. आप चार लेक्चर दे रहे हैं. मैं चार लेक्चर देता हूँ. सिंपल. आई गिव फोर लेक्चर्स. मतलब थोड़ा अजीब अगर अटपटा लगता है. मैं फोर लेक्चर चार लेक्चर देता हूँ. मतलब निकल सकता है. जैसे कि एक कोर्स में जो है एक कोर्स में कुल मिला के 12 लेक्चर हैं. लेकिन मैं चार लेक्चर देता हूँ उसका क्योंकि बाकी सारे विषय मुझे नहीं आते हैं. ठीक है. बाकी सारे लेक्चर जो है मैं दूसरे को लिख देते हैं. इट मेक्स सेंस. ओके. ये लंबे सेंटेंस में जो है कुछ चीज़ें आती हैं जिसको हम कहते हैं फ्रेजेस. ओके. जैसे कि इसके पहले के सेंटेंसेस हम लोगों ने देखे हैं. मैंने कहा था कि कौन काम करता है वो सबसे पहले. वर्ब उसके बाद. और उसके बाद क्या का जवाब. क्या खेलती है. टेनिस. उसके बाद क्या आया. किसके साथ खेलती है. विथ हर फादर. ये विथ हर फादर इस टुकड़े को कहते हैं. ये एक फ्रेज है. ठीक है. पिताजी के साथ. इन द फील्ड एक दूसरा फ्रेज है. मैदान में. एट होम एक तीसरा फ्रेज है. घर पर. इन द इवनिंग शाम को ये एक और फ्रेज है. तो ये सारे फ्रेजेस जो हैं जो कि व्हाट का जवाब नहीं है बाकी दूसरे चीज़ों के जवाब हैं. वेयर व्हाई व्हेन ये सब के जवाब टिपिकली फ्रेजेस में आते हैं. एक वर्ड में नहीं भी आएगा तो कोई बात नहीं. लेकिन वो सबका अपना अपना आइडेंटिटी होता है. शाम को. घर पर. पिताजी के साथ. कलम से. ठीक है. कलम से खेल नहीं सकते हैं. कलम से लिखते हैं. ऐसे खेल भी सकते हैं. ओके. सो ये सब बाद में आएगा. और वर्ब के तुरंत बाद बैठता है ऑब्जेक्ट. क्या का जवाब. ठीक है. किसी किसी क्वेश्चन में क्या का जवाब नहीं होकर वो किसको का जवाब होता है. जैसे राम ने पीटा था. राम बीट. तो क्या पीटा था सवाल उतना ठीक से नहीं होता है. हो सकता था अगर राम पीटा था. ठीक है. या किसको पीटा था. हो सकता है राम ने लक्ष्मण को पीटा था. क्या होगा इसका इंग्लिश. राम बीट लक्ष्मण. ठीक है. तो किसको का सवाल उठ सकता है. खाते हैं कि मैं किसको सवाल नहीं उठेगा. क्या सवाल उठेगा. ठीक है. ओके. तो we stop at this point and I make a note that in the assignment of today the task is to make triplets of sentences. Okay. So you will make triplets with these sentences. So some sentence in present, same thing in past, same thing in future. And in that make note, keep in mind that all sentences, all thoughts, all ideas cannot be put in the form of
simple past, simple present. Simple past, it is still possible. Simple present is the problem. For example, there are situations when some sentences naturally come in the continuous tense. We don't want that here. We are asking to have simple past, simple present, and simple future. So think of those things which can be expressed in simple present, and the typical things which can be put in simple present are habitual things, regular things that happen. Sun rises, I teach, you study. Okay. वैसी चीजें जो हम रेगुलर करते हैं, हमेशा ही करते हैं, मतलब पिछले तीन महीने से कर ही रहे हैं, आगे तीन महीने भी करते ही जाएंगे, ठीक है? तो रेगुलर करते हैं, कभी कभी करते हैं, जैसे दिल्ली जाते हैं, हम लोग दिल्ली जाते हैं, इसका मतलब कि अभी जा रहे हैं नहीं, कभी कभी जाते हैं, जब जरूरत पड़ती है तब जाते हैं. सो थिंग्स लाइक दैट. लेकिन ये बोलेंगे कि मैं आज दिल्ली जाता हूँ, ये मीनिंगलेस है. ओके. सो आज दिल्ली जाऊँगा, जा रहा हूँ, गया था, आया तो हूँ, ये सब ठीक है, लेकिन आज दिल्ली जाता हूँ का मतलब नहीं निकलता है. इट साउंड्स मीनिंगलेस, राइट? सो प्रेजेंट सिंपल में जो सेंटेंस बनाएंगे, थोड़ा सोच कर बनाइए कि ऐसे सेंटेंस बनाइए जो कि प्रेजेंट सिंपल में बोलने लायक चीज़ें हैं, राइट? ओके. सो वी स्टॉप हियर एंड मीट अगेन इन द सेशन 7. थैंक यू.